Hello students, you are welcome to INRC Education Hub. Today we are going to start a new topic named as modification of root. रूट के जो है कौन कौन से रूपांतरण पाए जाते हैं, इससे पहले भी अपन ने रूट के बारे में बात कर ली थी जिसके अंदर अपन ने बात की थी रूट होती क्या है, रूट इसके अलावा रूट के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, रूट के अंदर कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं रूट के, और इसके अलावा रूट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। एंड आज हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से इसके अंदर रूपांतरण पाए जाते हैं, किस तरीके से रूट जो है मॉडिफाई होके मल्टीपल फंक्शंस को परफॉर्म करती है, जिसके अंदर अपन सबसे पहले बात करते हैं स्टोरेज ऑफ फूड। रूट का जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉडिफिकेशन है दैट इज द स्टोरेज ऑफ फूड, जिसके अंदर अपन मेनली बात करते हैं जैसे कैरेट है, रेडिश है, टर्निप है। इनके अंदर ये जो भी अपन कैरेट, रेडिश, टर्निप वगैरह जो भी अपन खा रहे हैं, दीज आर अ काइंड ऑफ रूट, एक तरीके की टैप रूट ही होती है। और जिसके अंदर अपन देखते हैं इनके अंदर होता क्या है, ये जो कैरेट है, इसकी शेप इज जस्ट लाइक कॉनिकल, के अंदर होता क्या है कि ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज द स्वेलन, टॉपमोस्ट पार्ट तो स्वेलन होता है और धीरे धीरे जैसे डाउनवर्ड है टैपरिंग होता जाता है, जो है सिकुड़ता जाता है ये पोर्शन, दैट इज द कॉनिकल। इसके बाद में अपन सेकंड बात करते हैं फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म के अंदर क्या होता है कि ऊपर से टैपर होता है और नीचे से टैपर होता है, और बीच वाला जो पोर्शन होता है दैट इज द स्वेलन, ऊपर से टैपरिंग एंड है, नीचे से टैपरिंग एंड है, बीच वाला पोर्शन जो है स्वेलन होता है। इसका एग्जाम्पल है रेडिश। इसके बाद में थर्ड में बात करते हैं नापिफॉर्म। नापिफॉर्म के अंदर से क्या होता है कि जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्वेलन होता है और नीचे वाला जो पोर्शन होता है दैट इज वेरी टैपरिंग, टॉपमोस्ट पोर्शन इज मच स्वेलन एंड लोअरमोस्ट पोर्शन इज मच टैपरिंग, दैट इट्स एग्जाम्पल इज टर्निप। तो स्टोरेज ऑफ फूड की अंदर अपन ने बात कर ली है, नंबर वन इज कॉनिकल, नंबर सेकेंड इज फ्यूजिफॉर्म, नंबर थर्ड इज नापिफॉर्म। कॉनिकल के अंदर जो इसका एग्जाम्पल दे रखा है दैट इज द कैरेट, फ्यूजिफॉर्म के अंदर जो एग्जाम्पल दे रखा है दैट इज रेडिश, एंड नापिफॉर्म के अंदर जो एग्जाम्पल दे रखा है दैट इज टर्निप। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स एक्चुअली होती क्या है, ये जो भी बैनियन ट्री से जो रूट निकल रही है, सपोज दैट दिस इज द बैनियन ट्री, ये नीचे का इसका मेन रूट सिस्टम है, लेकिन जो इसके ब्रांचेस से जो रूट्स निकल रही है These roots are known as prop roots. Banyan tree की branches से जो roots निकल रही हैं, the roots are known as prop roots, और इनका main function होता है providing extra mechanical support, Principal बात करता है prop roots होती क्या है कि साइड की branches से जो भी roots निकलती हैं, the roots are known as prop roots, और इनका फंक्शन होता है प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट, और एग्जांपल इसका क्या होता है बैनियन ट्री। इसके बाद में हम थर्ड बात करते हैं दैट इज द स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट्स क्या होती हैं कि कोई भी प्लांट है, मोनोकोट प्लांट, उसके स्टेम के अंदर नोडल रीजन से जो रूट्स निकलती हैं, दीज रूट्स आर नोन एज स्टिल्ट रूट्स, और इनका भी जो है मेन फंक्शन होता है प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट। वैसे तो जो इनके अंदर मेन रूट्स होती हैं, मेन रूट्स तो सपोर्ट प्रोवाइड करा ही रही है, इसके अलावा एक्स्ट्रा रूट भी पाई जाती है और इनका फंक्शन होता है प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट। इसका जो एग्जाम्पल है दैट कैन बी द मेज, मक्का। इसके अलावा शुगर केन के अंदर भी जो है अपन को स्टिल्ट रूट देखने को मिलती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट रूट दैट इज द क्लाइम्बिंग रूट। क्लाइम्बिंग रूट के अंदर अक्सर अपन ने देखा होगा कि मनी प्लांट जैसे अपन ने ग्रो किया है, मनी प्लांट को अगर किसी वॉल के पास में ग्रो कर दिया है या फिर किसी जो है दूसरे प्लांट के पास में ग्रो कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली ये उस प्लांट के चिपकते हुए ऊपर चढ़ती जाती है। इट मीन्स इट इज क्लाइंबिंग ऑन इटसेल्फ, अपने आप से जो है क्लाइंब कर रही है। इसके अंदर कुछ स्पेशल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, एंड दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज टिंड्रल्स, इनको टिंड्रल्स भी बोलते हैं। तो टिंड्रल्स के थ्रू ये जो है कैप्चर करके प्लांट के थ्रू ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है। तो जो भी इनसे एक्सेसरी रूट्स निकल रही हैं जो कि हेल्प कर रही है क्लाइंब करने के अंदर, द रूट्स आर नोन एज क्लाइंबिंग रूट्स। एग्जाम्पल क्या रखा है इसका, मनी प्लांट। इसके बाद में हम बात करते हैं फोलियर रूट्स। फोलियर का मतलब होता है लीव्स, जैसे ब्रायोफिलम है, ये ब्रायोफिलम की पत्ती है, ब्रायोफिलम की पत्ती के ऊपर कोई और छोटी छोटी पत्तियां आ रही हैं, इन पत्तियों से जो रूट्स निकल रही हैं दीज आर नोन एज फोलियर रूट्स, और इनका मेन फंक्शन होता है कि जो भी नई लीव आई है, ये नई लीव टूट कर गिर जाएगी मिट्टी के अंदर, तो लीव्स खुद तो ऑटोमेटिकली ग्रो होंगी नहीं, इसी के लिए इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए इनके अंदर और रूट्स निकल रही हैं, ये रूट्स ऑटोमेटिकली लग जाएंगे नीचे जमीन के अंदर और ये नया बायोफिल्म ऑटोमेटिकली ग्रो करने लग जाता है। तो लीव्स से जो रूट्स अराइज हो रही हैं, दीज रूट्स आर नोन एज फोलियर रूट्स, और इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफिल्म, समटाइम्स दीज आर आल्सो नोन एज रिप्रोडक्टिव रूट, बहुत बार जो है इनको रिप्रोडक्टिव रूट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं मिस्टोरियल रूट्स। मिस्टोरियल रूट्स जो है कस्कट्टा के अंदर पाई जाती है। क्या होता है, जैसे कोई भी झाड़ी है, ये झाड़ी के अंदर जो है कस्कट्टा इसके चारों तरफ चिपटा हुआ है, बट द कस्कट्टा इज नॉट सिंथेसाइजिंग इट्स फूड, इट्स हेटरोट्रोप, खुद से जो है ये अपना खाना नहीं बना रहा है, ये किसी दूसरे से खाने को सक कर रहा है, तो खाने को सक करने के लिए कोई तो ऑर्गन होना चाहिए, तो इसके अंदर जो है पेनिट्रेशन के लिए कुछ टिश्यूज पाए जाते हैं जो कि इस झाड़ी से जो है कंटिन्यूसली फूड को सक करते रहते हैं। तो जो पेनिट्रेशन के जो टिश्यूज पाए जा रहे हैं, दीज टिश्यूज आर नोन एज हिस्टोरिया, उन टिश्यूज को अपन हिस्टोरिया बोलते हैं, और एक तरीके से वो एक मॉडिफिकेशन ही है, रूट का मॉडिफिकेशन है। तो कस्कट्टा के अंदर जो है झाड़ी से फूड को सक करने के लिए जो ऑर्गन पाए जा रहे हैं, दीज आर नोन एज हिस्टोरियल रूट्स, एंड द बेटर एग्जांपल इज द कस्कट्टा बिकॉज़ इट्स नॉट सिंथेसाइजिंग इट्स फूड, ये अपना खाना खुद नहीं बना रहा है, इट इज डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट, दूसरे के ऊपर जो है ये निर्भर कर रहा है। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज द असिमिलेटरी रूट्स। असिमिलेटरी रूट्स के अंदर क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्टेम जो है या फिर लीव जो है प्रॉपर वे के अंदर फोटोसिंथेसिस करने के अंदर फंक्शनल नहीं होती है, तो उस वाली कंडीशन के अंदर क्या होता है, सपोज दैट दिस इज द प्लांट, ये इसकी लीव्स हैं, चलो लीव्स भी खाना बना रही है, बट लीव्स के थ्रू जो खाना बन रहा है दैट फूड इज नॉट सफिशियंट, जो लीव्स खाना बना रही हैं वो प्लांट के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो उस वाली कंडीशन के अंदर प्लांट की डेथ भी हो सकती है। तो क्या होता है, जो नीचे वाली जो रूट्स हैं वो रूट्स ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ मूव करती हैं, दीज आर मूविंग अपवर्ड एंड दीज रूट्स आर आल्सो कंटेनिंग क्लोरोफिल पिगमेंट, इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट भी पाया जा रहा है। तो उस वाली कंडीशन के अंदर क्या होता है कि नीचे से जो भी रूट्स ऊपर आ रही हैं, दीज रूट्स आर आल्सो सिंथेसाइजिंग द फूड, द रूट्स आर नोन एज एसिमिलेटरी रूट्स एंड दीज रूट्स आर आल्सो नोन एज फोटोसिंथेटिक रूट्स। इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज ट्रापा। इसके अलावा मैंने आपको एक नहीं बताया, दैट इज द रेस्पिरेटरी रूट्स। रेस्पिरेटरी रूट्स क्या होती है, मार्सी एरिया के अंदर या फिर दलदल के अंदर, कीचड़ के अंदर जो भी प्लांट्स पाए जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, कीचड़ के अंदर ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं होता है, ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं होता है तो प्लांट जो है रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी। तो इसी के लिए क्या होता है कि उनकी जो रूट्स होती हैं, नीचे से जो भी रूट्स होती हैं, रूट्स आर मूविंग अपवर्ड, रूट्स नीचे से ऊपर तरफ आती हैं और ऊपर आने के बाद में दे आर एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन गैस, सराउंडिंग से ऑक्सीजन गैस ले रही है, और ऑक्सीजन गैस लेने के बाद में जो भी फूड सिंथेसाइज हो रहा है वो सही तरीके से डाइजेस्ट हो रहा है। तो कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जो है रूट नीचे से ऊपर आ जाती है और ऊपर आने के बाद में रेस्पिरेशन का काम करती हैं, दीज रूट्स आर नोन एज रेस्पिरेटरी रूट्स, और इनको जो है अपन न्यूमेटाफोर भी बोलते हैं। रेस्पिरेटरी रूट्स आर आल्सो नोन एज न्यूमेटोफोर्स, और इनके एग्जाम्पल है राइजोफोरा, मतलब कि ऐसे प्लांट जो कि मार्सी एरिया के अंदर पाए जा रहे हैं, जिस एरिया के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, स्कैरसिटी है, और रूट्स या फिर लीव जो है प्रॉपर वे के अंदर ऑक्सीजन नहीं ले पा रही है, तो जो नीचे वाले रूट्स हैं वो जमीन से ऊपर आ जाती है एंड दे आर डायरेक्टली एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन। असिमिलेटेड रूट्स के अंदर जो है रूट्स फूड को सिंथेसाइज कर रही है। एक बार फिर से अपन देखते हैं स्टोरेज ऑफ फूड के अंदर जो है अपने तीन टाइप पड़े हैं, नंबर वन इज द कॉनिकल, नंबर सेकंड इज फ्यूसिफॉर्म, नंबर थर्ड इज नेपिफॉर्म। कॉनिकल के अंदर अपन ने देखा है कि ऊपर वाला जो एरिया है दैट इज स्वेलन, नीचे वाला टैपरिंग है, एग्जांपल है कैरेट। फ्यूसिफॉर्म के अंदर अपन ने देखा है कि ऊपर वाला जो एरिया है दैट इज बोथ आर टैपरिंग एंड मीडिएट पोर्शन इज स्वेलन, एग्जांपल इज रेडिश। और नेपिफॉर्म के अंदर देखते हैं अपन ऊपर वाला जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा स्वेलन है और नीचे वाला जो एरिया है वो ज़्यादा टैपरिंग है, एग्जांपल इसके अंदर रखा है टर्निप। दीज ऑल थ्री मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। सेकंड अपन बात करते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स। कुछ प्लांट्स के अंदर रूट्स जमीन से ऊपर आ रही हैं एंड दे आर एब्जॉर्बिंग गैसेज, दीज रूट्स आर आल्सो नोन एज न्यूमेटोफोर्स, एग्जाम्पल इज राइजोफोरा। थर्ड अपन बात करते हैं दैट इज प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स के अंदर क्या होता है, ब्रांचेस से जो भी रूट्स निकल रही हैं एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रही हैं, द रूट्स आर प्रॉप रूट्स, एग्जांपल इज बैनियन ट्री। इसके बाद में फोर्थ वन बात करते हैं स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट्स से नोड्स से रूट्स निकल रही हैं। स्टेम को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, वन इज द स्टेम, वन इज द नोड्स एंड सेकंड इज इंटरनोड्स। तो नोडल रीजन से जो रूट्स निकल रही हैं दीज आर स्टिल्ट रूट्स। इनका भी मेन फंक्शन एक्स्ट्रा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, एग्जांपल जो है मेज एंड सुगरकेन। इसके बाद में क्लाइंबिंग रूट्स, ऐसे रूट्स जो कि प्लांट को क्लाइंब करने के अंदर हेल्पफुल है। द रूट्स आर नोन एज क्लाइंबिंग रूट्स, एग्जांपल इज मनी प्लांट। इसके अलावा अपन बात करते हैं फॉलियर रूट्स, ऐसे रूट्स जो कि ब्रायोफिलम के लीव्स के अंदर पाई जा रही हैं। द रूट्स दो आर फाउंड इन द लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम, द रूट्स आर नोन एज फॉलियर लीव्स, फॉलियर रूट्स और एग्जांपल है ब्रायोफिलम। इसके बाद में बात करते हैं मिस्टोरियल रूट्स, ऐसे रूट्स जो कि कस्कट्टा के अंदर पाई जा रही हैं फॉर सकिंग द फूड, द रूट्स आर नोन एज मिस्टोरियल रूट्स। और इसके बाद में जो नेक्स्ट आ रहा था दैट इज असिमिलेटरी रूट्स, ऐसे रूट्स जो कि फूड को सिंथेसाइज करने का काम कर रही हैं, दोज आर सिंथेसाइजिंग द फूड, द रूट्स आर नोन एज असिमिलेटरी रूट्स एंड द एग्जांपल इज ट्रापा। Now we have discussed about the modification of fruit. Further in the next lecture we will discuss about the stem. Stem होता क्या है और इससे रिलेटेड अपन बात करेंगे। Okay, thank you.